रायपुर जिले में शुक्रवार को बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने क्षेत्र में नाकेबंदी कर फरार बदमाशों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। राजधानी रायपुर के राखी थाना क्षेत्र में ट्रक और बस के बीच में भिड़ंत हो गई। इसकी चपेट में एक कार भी आ गई। कार चालक की मौत हो गई, वहीं बस सवार 8-9 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं और कई यात्री घायल हो गए। घटना रायपुर धमतरी रोड स्थित निमोरा की है। उतई थाना क्षेत्र के ग्राम चुनकट्टा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी अपनी पत्नी पर चरित्र शंका करता था, इसी के चलते उसने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया। घटना में घायल पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रायपुर में मेकाहरा अस्पताल के सामने खड़ी एम्बुलेंस वाहन में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को छिपने की हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त आरोपी अब्दुल हकीम मोहम्मद नवाब और मोहम्मद तौकीर उर्फ बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर के एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आजाद चौक क्षेत्र अंतर्गत रामसागर पारा में एक व्यक्ति अपने पास पिस्टल रखकर घूम रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने राजनांदगांव जिला निवासी लल्ला उर्फ राहुल मोगरे को पकड़कर उनके पास से पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद किया है। बालोद जिला पुलिस ने प्रार्थिया को अपने घर में हुई चोरी के मामले में फंसा देने की धमकी देकर प्रार्थिया का लगातार दैहिक शोषण करने वाले आरोपी विजय देवांगन व इस मामले में उसका साथ देने वाली उसकी पत्नी नंदिनी देवांगन मोहंदी पाठ निवासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पत्थर पॉलिश फैक्ट्री किराए पर देने के नाम से 5,80,300 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ धमतरी जिले के कुरुत थाना में एक साल पूर्व से दर्ज जुर्म के मामले में एक आरोपी भूषण तुरकाने को बेमेतरा जिला से गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर के हिर्री थाना क्षेत्र में चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी को पीटकर हत्या करने वाले आरोपी पति इंदल को हिर्री पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में तोड़फोड़ का मामला शांत हुआ ही था कि ट्रांसपोर्ट नगर में अज्ञात लोगों ने दो क्रेनें जला दी। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने ट्रांसपोर्टर मोहम्मद इमरान की दो क्रेनों में आग लगा दी। क्रेन पुलिस चौकी से लगभग 100 मीटर दूरी पर खड़ी थी। राजधानी रायपुर में लिफ्ट मैकेनिक की हत्या के मामले में रायपुर पुलिस ने बीजेपी नेता के बेटे को हिरासत में लिया है। शुक्रवार को इस मामले में रायपुर पुलिस ने दो अन्य दीप डब्बानी व गोलू उर्फ त्रिपुरी नामक आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने चार महिलाओं और एक पुरुष को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस को छापेमारी के दौरान काफी आपत्तिजनक सामान भी मिला है। महासमुंद पुलिस ने लॉटरी स्क्रैच कराकर आकर्षक उपहार मिलने का लालच देकर ठगी का प्रयास करने वाले संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। ये दिल्ली उत्तर प्रदेश दिगर प्रांत से आए हैं। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों एवं लॉटरी व फेरी वालों के पर पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में ऑटो चालक पत्नी से विवाद कर रुपए की मांग करते हुए जान से मारने के लिए कास्टिक सोडा एसिड पिलाने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसिड पिलाने से महिला का गला जलने लगा और वह तड़पने लगी। तब आरोपी विष्णु उसे ऑटो में लेकर घर गया और छोड़कर भाग गया। रायगढ़ जिले के डोंगरीपाली थाना क्षेत्र के परधियापाली क्रेसर के पास ललित साहू को सड़क पर पड़े होने की सूचना पर डोंगरपाली पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी पति पत्नी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।
कवर्धा जिले के तरेगांव जंगल थाना के दुल्लापुर गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी को टंगिया मारकर हत्या कर दी। उसने अपनी बीवी को इसलिए मार दिया क्योंकि पत्नी ने उसे पानी देने के लिए मना कर दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ अंबेडकर वार्ड 10 के किराना व्यवसायी विष्णु चौधरी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। उनके बैंक खाते से 79,985 रुपए अज्ञात आरोपी ने निकाल लिए। व्यवसायी ने इसकी शिकायत डोंगरगढ़ थाने में दर्ज कराई है। मछली भरकर धमतरी से नगरी की ओर आ रही पिकअप मुख्य सड़क पर ग्राम दुगली के पास पलट गई। ये दुर्घटना 6 मई को दोपहर 1:15 बजे हुई है। घटना के बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने अवसर का लाभ उठाया और सड़क पर फैली मछली को उठाकर अपने घर ले गए। महासमुंद जिले की बसना पुलिस व साइबर सेल में 6 मई को मुखबिर की सूचना पर बसना के वार्ड 12 गुरु नानक धर्मशाला के पीछे दबिश देकर यहां 250 लीटर मोहम्मद शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिले के ग्राम बेलसोड़ा की महिला सरपंच भमिनी पोखन चंद्राकर ने एसडीएम भागवत जायसवाल पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महासमुंद एसडीएम बात बात में धारा 40 की कार्रवाई कर पद से हटा देने की धमकी देते हैं। महासमुंद जिले की साइबर सेल और खल्लारी पुलिस की टीम ने खेत बाड़ी और कुएं में लगे पंप की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 नग पंप भी जब्त किया गया जिसकी बिक्री के लिए दोनों ग्राहक तलाश रहे थे। महासमुंद जिले की पिथौरा वन परिक्षेत्र स्थित ग्राम ठाकुरदिया निवासी सुरेश के निर्माणाधीन मकान में भारी मात्रा में सागौन का लट्ठा व चिरान छिपा कर रखे जाने की सूचना पर दबिश देकर निर्माणाधीन मकान से 28,000 रुपए कीमत का 15 नग सागौन चिरान और 5 नग लट्ठा कुल 5,373 घन मीटर सागौन लकड़ी जब्त की है। बड़ौदाबाजार जिले की गिदौरी से सारंगढ़ मुख्य मार्ग पर स्थानीय बस स्टैंड के पास शुक्रवार को ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल चालक युवक का सिर कुचल जाने से मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है। बड़ौदाबाजार जिले के तहसील कार्यालय लवन ऑपरेटर और कार्यालय सहयोगी ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे। रात को बस नहीं मिलने पर ऑपरेटर अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए उसके साथ घर जा रहा था। दूसरे दिन शुक्रवार सुबह ऑपरेटर का शव बड़ौदाबाजार कसडोल मुख्य मार्ग पर डोंगरीडीह महानदी पुल के नीचे मिला। पिता द्वारा क्रिकेट खेलने से मना करने पर नाराज नाबालिग बेटा नागपुर से हावड़ा जाने वाली आजाद हिंद एक्सप्रेस में बैठ गया और भाटापारा आरपीएफ के हाथ लग गया। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भाटापारा ने नाबालिग बच्चों को घर वालों के सुपुर्द कर दिया। जिला अस्पताल दुर्ग में सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम के तहत बिछाई गई कॉपर पाइपलाइन बीती रात चोरी हो गई। खास बात यह रही कि अस्पताल में 30 नगर सैनिक और 20 गार्ड पदस्थ हैं। इसके अलावा 3 पुलिस कर्मियों की भी तैनाती है। इसके बाद भी पिछले कुछ समय से अस्पताल में चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। दंतेवाड़ा के बालूद ग्राम पंचायत में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति एयरटेल टावर की सबसे ऊपरी हिस्से में चढ़ गया और टावर से कूदने की धमकी देने लगा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद युवक को टावर से उतरने में कामयाब रही। सुकमा में आधी तूफान से पेड़ गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई। बताया गया कि छात्र कन्या छात्रावास क्रम एक सुकमा में कमरे से दूसरे कमरे जा रही थी, तभी तेज हवाओं से मुनगे का पेड़ गिरा जिसे छात्रा के सिर पर चोटें आ गई और उसकी मौत हो गई।